ऐसा के मामला हो गया, के गड़बड़ हो गई, इसी के घटना घट गई, सबके चेहरे उतरे उतरे, सब उदास उदास। फिलहाल अंचल त्याग दिया, पूरा स्टाफ ने त्याग दिया है। हमारी बहन जी हमेशा एक्टिव रहा कर रहे, लेकिन आज ये भी उदास। भाई है भाई चुप। हाँ भाई सब उदास है भाई। हाँ जी कुछ तो बोलो, क्या बात होगी, बोल भी नहीं रहे आप लोग तो कुछ। हाँ जी राम राम। चंडीगढ़ का सेक्टर 44 सी तो मैं जुड़ रहा हूँ, 44 सी, और एक सैलून है, सबकी बोलती बंद है। इस पर मामला के है, उसके ऊपर पड़ताल कराऊंगी। फिलहाल मैं अंदर जाऊँगा, सबकी बोलती बंद है, सब चुप। हाँ जी राम राम कर दो जी। क्या बात, उदास बैठे हो? कुछ नहीं खाया? नहीं खाया, ना पिया। अच्छा फिलहाल देखो ये लाइव तस्वीर आप इस टाइम संसार क्रांति पे देख रहे हो। ये सैलून है चंडीगढ़ सेक्टर 44 सी में। फिलहाल आप देखो ऐसा के मामला हो गया, के गड़बड़ हो गई, इसी के घटना घट गई, सबके चेहरे उतरे उतरे, सब उदास उदास। और यह सारी आन मतलब बिल्कुल, यदि आप देखोगे अनु चौधरी हमारी बहन जी हमेशा एक्टिव रहा कर रहे हैं, लेकिन आज ये भी उदास। मैं पहले इनका जो स्टाफ है उनसे एक बार जानकारी ले लूँ, जो निशा लंबा चंडीगढ़ सैलून के ओनर हैं, अनु से मैं बात करूँगा उससे पहले। हाँ भाई क्या बात होगी भाई, हैं भाई चुप ही हो रही है। हाँ भाई नाम तो बता दे अपना भाई। हैं भाई रामू हैं राहुल। हाँ भाई सब उदास हैं भाई। हाँ क्या नाम आपका? हाँ जी कुछ तो बोलो, क्या बात होगी, बोल भी नहीं रहे आप लोग तो कुछ। बिल्कुल ऐसे बैठे, मामला क्यों रहा है, गड़बड़ क्या है, सारे चुप, सुनसान, सब कुछ साइलेंट। एक बार बहन जी इधर आ जाओ आप, अनु बहन जी एक बार बताओ मामला क्या है। तुम तो सारे दिन बड़े एक्टिव रहा करो। अच्छा आ जाओ बहन जी एक मिनट, मैंने बताओ, यहाँ आ जाओ बताओ बहन जी मामला क्या बताओ। जो पहलवान जंतर मंतर पे हमारी बहनें और भाई बैठे हैं, हम उनके समर्थन में हमने अपने काम को गैप दिया है 2 से 5 बजे तक का। हमने अन्न और जल नहीं खाएंगे, ना कुछ खाएंगे ना कुछ पियेंगे, और कोई हम काम नहीं करेंगे। यह बड़ी बात है भाई, एक तरफ जंतर मंतर दिल्ली, और इस मतलब यदि दूसरा छोर की बात करोगे तो चंडीगढ़। आप देखो ये जो निशा लांबा चंडीगढ़ सैलून की ओनर हैं अनु बहन जी, सारी आड़ मामले देखा, बड़े एक्टिव मोड में राग रहे हैं, और बहुत उछल कूद के साथ इनके, आप देखोगे जब भी कोई नई चीज़ बताऊंगी, कोई रेमेडी के बारे में बताऊंगी, तो बड़े एक्टिव मोड में राग, आज बिल्कुल उदास चुप और चेहरा उतरे हुआ। तो ये किस तरह का, क्या कितना टाइम वगैरह क्या रखा है इसका? सर हमने 3 घंटे का रखा है, 2 बजे से 5 बजे तक का, जिसमें हम ना कुछ खाएंगे ना कुछ पियेंगे, और हम क्लाइंट्स का काम भी नहीं करेंगे। अंजल भी त्याग दिया हमने, और हमें बहुत मतलब मेरे को पेन फील होता है कि वहाँ पे जंतर मंतर पे जब आंसू टपकते हैं, वो तो हो ही रहा है। ब्रजभूषण ने जो किया है वो तो गलत किया है, साथ में जो प्रशासन कर रहा है, जो पुलिस वाले तंग कर रहे हैं खिलाड़ियों को, वो सबसे गलत, वो तो एक जख्म पे नमक और मिर्च लगाने वाली चीज कर रहे हैं। कि इस इंडिया में क्या इंसान को धरना प्रदर्शन शांति से बैठ के धरना करने की भी इजाजत नहीं है? क्या ये सरकार इतना गलत करेगी? और वो भी उनके साथ जिन्होंने इंडिया ओलंपिक्स से इंडिया को मेडल दिलवाया है, गोल्ड मेडल दिलवाया है, ठीक है, बजरंग ने दिलवाया है, विनेश फोगाट ने दिलवाया है, साक्षी ने दिलवाया है। मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं शूटिंग करती हूँ, शूटिंग से भी मैं इस लाइन में आई हूँ, और मुझे बहुत पेन होता है। मुझे नहीं, इंडिया की हर लड़की को पेन होता है जब वो स्पोर्ट्स पर्सन इतनी स्ट्रांग होके सेफ नहीं है, तो हमारे जैसे इन जैसे नॉर्मल जो हमारी बच्चियाँ हैं ये कैसे सेफ रह सकती हैं? तो भाई बहुत गहरी बात करी है बहन जी ने, उनको भाई घा पर नून मिर्च छिड़कने वाला काम है यू, प्रोटेस्ट करने के लिए भी उनके ऊपर जो उनके साथ जो बर्बरता हो रही है, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है। आप देखोगे विनेश फोगाट के आंसू पहले भी टपके थे, आप देखोगे साक्षी, विनेश, संगीता, बजरंग पुनिया सारे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, आंसू ओढ़े पड़े हैं, लेकिन दर्द पीड़ा हर भारतीय को है। और फिलहाल आप लोगों के सपोर्ट में अनु बहन जी ने एक ये दो से पाँच बजे तक का भाई सैलून पे देखो आप सन्नाटा है। फिलहाल जो भी कस्टमर आओ उनको ये बोल दिया जाओ भाई आप 5 बजे के बाद आना अभी हमने, और बताया जाओ बकायदा उनको, बताते हो आप सारी बातें, क्या कहते हो आप? जो भी
मेरे पास क्लाइंट आता है, मेरी पहले की भी अपॉइंटमेंट बुक थी, आज का हमने टाइम दिया था जी, जो परसों रात को सुलूक हुआ और कल जो सुलूक हुआ है, उनको गिरफ्तारी की गई है, उनको डंडे लाठियों से पीटा गया है, उसके बाद मेरा इतना मन टूट गया, मेरा ऐसा मन करता है कि मैंने जो सपोर्ट किया है अपनी 5-7 साल की, जो मैंने मेहनत की है, मैं उस गेम को अभी छोड़ दूं, गेम में जाने से डर लगने लग गया है मेरे को। और यहाँ पे भी जितने क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको यही बताती हूँ कि अभी हमने समर्थन दे रखा है, हम कोई काम नहीं करेंगे 3 घंटे के लिए, ना हम खाएंगे ना हम पिएंगे। चलो मैं आपने बता दूं भाई दर्शकों ने, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दूं, देखो सन्नाटा है चारों ओर, 44C सेक्टर 44C चंडीगढ़, और निशालांबा सैलून की ओनर अनु चौधरी फिलहाल अंजल त्याग दिया, पूरा स्टाफ ने त्याग दिया है। और बड़ी बात यह है भाई, 3 घंटे तक ये कोई भी क्लाइंट का काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे स्टाफ में यहाँ पे 4 से 5 बंदे ऐसे हैं जो खुद खेलते हैं। हाँ। मेरे पास 2-3 लड़कियां हैं जो खुद खेलती हैं, लड़के भी हैं, मैं खुद स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, और हम जब सेफ नहीं है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, मेरी बहन है वो सेफ नहीं है, तो नॉर्मल बच्चियां जो हैं जो पढ़ने जाती वो कैसे सेफ रह सकती हैं। बिल्कुल यह भाई खरी बात है। और मैं एक बात बता दूं, देखो खिलाड़ियों के आंसू उड़े टपके हैं, लेकिन जगह जगह आप देखोगे, और फिलहाल मैं आपने एक चीज़ दूँ, दिखाइए हाथ करिए आगे अनु बहन जी, देखो भाई खुद अनु मतलब जो पिस्टल शूटिंग की नेशनल प्लेयर रही है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, आज इनका जो दर्द है और वो उस सिस्टम के ऊपर करारा तमाचा है भाई, जो सिस्टम बार बार नो का हरा भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी हो, बहुत बड़ी 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 बात करें, लेकिन फिलहाल बेटियां ओलंपियन जंत्र मंत्र पे बैठी है धरना पे, तो इस जब हम लोग मेडल लाते हैं तो पूरी दुनिया हमारे पीछे पीछे आती है, फोटो करवाते हैं, मिनिस्टर्स हमारे घर तक आते हैं, फोटो करवाते हैं, लेकिन आज जब हम सड़क पे बेकदर ऐसे पड़े हैं, पुलिस का भी इतना गंदा व्यवहार हमारे साथ है कि लाठी डंडियों से पीट रहे हैं, और जब अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आज जो पीएम मोदी या हमारा जो हरियाणा का सीएम है वो कहाँ है आज, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हमारा दर्द पूछने के लिए, क्या उनको अब पता नहीं है कि हम ओलंपिक में भी मेडल लेके आए थे, क्या उनको अब हमारा दर्द नहीं दिखता, क्या वो फोटो खिंचवाने हमारी मदद करवाने अब नहीं आ सकते हमारे साथ। चलो ये एक पीड़ा है भाई, खिलाड़ी की पीड़ा है, और खुद अनु एक स्पोर्ट्स पर्सन है और पिस्टल शूटिंग की इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, नेशनल प्लेयर रही है, और इसलिए एक दर्द छलका है। जरा जंत्र मंत्र की बात करोगे दिल्ली की, तो चंडीगढ़ में निशालांबा चंडीगढ़ जो सैलून है उसकी ओनर अनु, फिलहाल इनका पूरा स्टाफ आप देखोगे मातम पसरा है, और ये जो सन्नाटा है, ये जो शांति है, शायद या क्रांति तो पहले की, तूफान तो पहले की, शांति भी कही जा सके, क्योंकि खिलाड़ियों का लस जब जाती होगी तो एक खिलाड़ी का तो दर्द उभर का होगा। और इनका कहना है 2 से 5 बजे लक्का ऑफ है, हर क्लाइंट को कह दिया गया है, और बड़ी बात यह है अंजल भी त्याग दिया, लो तस्वीर तो हम देख लो, फिलहाल सन्नाटा है पूरा उसमें, और हर जगह आप देखोगे ये देखो आप। तो फिलहाल मैं पास में खड़ा हूँ, यह चीज़ महसूस कर सकूँ, भावुक है फिलहाल। अनु बहन जी आप थोड़ा मतलब मैं देख रहा हूँ, जब इमोशनल कोई भी चीज़ इमोशनल जब आँखें में अपने आंसू आ जाए, या फिर जब अंदर तो नहीं कर कर्जा पेट पेट का है, तो जीब आवा जीब कोई जाति बहुत ज्यादा हो जाए, हद पार हो जाए किसी चीज की, तो फिलहाल आप चेहरे पर आप देख सको, जो अनु बहन जी हर टाइम बिल्कुल स्माइलिंग फेस, और वो आज वो उदास हैं, और बार बार एक ही चीज कहने लग रही है भाई अन्याय हुआ है खिलाड़ियों के साथ, उनको न्याय मिला है। और कुछ मैसेज करना चाहोगे बहन जी? एक मेरा मैसेज ये है कि मेरे पास काफी बच्चियों के कॉल आ रहे हैं, जो जिनको मैंने मोटिवेट किया था कि आप गेम करो, जिनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया था, तो आज पेरेंट्स मेरे से जवाब मांग रहे हैं कि हमने आपके कहने पर अपनी बेटियों का गेम स्टार्ट करवाया था, अब जो सिचुएशन सरकार ने हमारे साथ की है या प्रशासन ने हमारे साथ की है, हमारी बहनों के साथ की है, इसको देख के कोई भी अपनी बच्चियों को गेम में नहीं भेजेगा, ऐसे मेडल की किसी को जरूरत नहीं है कि हम बाद में सड़कों पे जाएं, रोए हमारा शोषण हो, ऐसे मेडल की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारी सेफ्टी कर लो वही बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी कोई घर वाला अपनी बच्ची को नहीं भेजेगा आप गेम। बल्कि विनेश ने तो बोल भी दिया भाई क्या जरूरत है फिर ओलंपिक मेडल में लड़कियों को जाने, इस तरह था उनको मरवा दो, यहाँ तक बोलना पड़ गया एक खिलाड़ी को, एक ओलंपियन को, और साक्षी मलिक को भी आपने देखा। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर मैं छोड़ कर जाऊँ, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दियो और बताओ जो फिलहाल खिलाड़ियों के साथ हो रहा है उनके समर्थन में, और
जिनने उनके साथ ज्यादती करी है उनका विरोध में एक 3 घंटे का यूं वो रखा गया है विरोध प्रदर्शन को और समर्थन में विनेश के साक्षी के या फिर अपने जो कुश्ती के पहलवान उनके समर्थन में ये एक विरोध प्रदर्शन है जिनने उनके साथ गलत कराया और समर्थन दिया है कुश्ती के पहलवानों को। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप सब जाओ, कितने लोगों को वो गिरफ्तार करेंगे, कितनी जेल है उनके पास, पूरी इंडिया को तो वो जेल में नहीं भर सकते, इतनी बड़ी जेल नहीं है उनकी कि वो सबको भरेंगे। आप सब वहाँ पे जाओ, हम लोग भी आएंगे, आप सब वहाँ पे जाओ और इनका आप समर्थन दो, आप इनके सपोर्ट में खड़े हो। आप लोग नहीं आओगे तो और कौन आएगा। चलो फिलहाल इन तस्वीरों पर मैं छोड़ के जाऊँ और ये आप देखो, यह हर टाइम चहल पहल रहा हूँ तो, लेकिन आज सन्नाटा है, ये सन्नाटा 5 बजे तक रहूँगा और एक मैसेज देने की कोशिश करी है, भाई आप खिलाड़ियों के साथ अन्याय कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गा पर नून मिर्च छिड़कने का काम कर रहे हो। फिलहाल इन तस्वीरें आप छोड़ के जाऊँ, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उथारा देसी पत्रकार करमूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।